वन मंडल देवास अंतर्गत वन परिक्षेत्र कांटाफोर्ड सबरेज बेलगांव के कक्ष क्रमांक 414 में स्थित प्लांटेशन बुधवार रात्रि को आग की चपेट में आ गया, जिससे प्लांटेशन में लगे पौधे जलकर नष्ट हो गए। तो वहीं वन प्राणी के लिए भी यह आगजनी प्राण घातक है। उक्त सेमली में वर्ष 2016 में एक प्लांटेशन का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसका प्रति वर्ष अनुसार मेंटेनेंस हेतु शासन से लाखों रुपए का खर्च किया जा रहा है। इसके बावजूद इसके प्लांटेशन में आग लग जाना संदेहास्पद प्रतीत होता दिखाई दे रहा है कि आखिरकार जब प्लांटेशन की साफ सफाई का पैसा जाता कहाँ है। इसकी रियलिटी देखने के लिए हमारी टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि प्लांटेशन में साफ सफाई तो कागजों तक ही सीमित है, जिसके फुटेज भी आप देख पा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि प्लांटेशन की आग हमारे घरों तक पहुंच जाती है तो सब स्वाहा हो जाता। मौके पर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। एक और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रदेश के मुखिया प्रतिदिन एक पौधा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वन अमला पौधारोपण के नाम पर लाखों की चांदी काट रहा है। फिलहाल देखना यह होगा कि प्लांटेशन में लगी आग के कारणों की जाँच कौन करेगा व जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है या सिर्फ खानापूर्ति। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।